आइए फिर देखते हैं पर्थ में राइटिंग स्किल का एक नया टॉपिक है ये आपका। इस प्रकार से आप क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा सिचुएशन वैकेंट वांटेड इंग्लिश टीचर। अब यहाँ पर कोई भी पोस्ट हो सकती है, इंग्लिश टीचर हो सकता है, इंजीनियर हो सकता है, सेल्समैन हो सकता है, सुपरवाइजर हो सकता है, क्लर्क हो सकता है, कंपाउंडर हो सकता है, कुछ भी। और कैंडिडेट मस्ट बी, कैंडिडेट में क्या होना चाहिए, पास्ट एमए बीए होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर इतनी चीजें हैं तो वह राइट अपना एप्लीकेशन दीजिए ईमेल abhyuday@gmail.com। आज के दो साल पहले यही क्वेश्चन आता था, इसमें बोलते थे एप्लीकेशन फॉर द जॉब या जॉब एप्लीकेशन, लेकिन अभी थोड़ा सा पैटर्न बदल गया है। आजकल एप्लीकेशन कोई नहीं देता है, लोग ऑनलाइन अप्लाई करते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करेंगे तो ऑनलाइन में अपना एप्लीकेशन भी देंगे। तो आज हम इसी को अच्छे समझेंगे कि हम अपने विद्यालय में होने वाले एग्जाम में या बोर्ड में होने वाले एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन में नंबर कैसे ले सकते हैं, वो आइडिया आप इसमें देखिए। आपका क्वेश्चन आपके सामने है, अब मैं आपको इसका आंसर लिख के बताऊंगा, एक एक लाइन आप उसको देखते जाइए। हाँ, तो जब आपको क्वेश्चन मिल जाएगा आपके पेपर में तो आप क्या करेंगे, अपने आंसर पेपर पर इस प्रकार से आप पहले एक फॉर्मेट बना लीजिए, ठीक ना, ऐसे जैसे बनाया है, ऐसे एकदम नहीं, मैंने हाथ से खींच दिया है, टेढ़ा मेढ़ा हो गया है, आप सीधा बनाइएगा स्केल और पेंसिल या पेंसिल स्केल और पेंसिल। आपने एक बॉक्स जैसा बना लिया है। अब यहाँ पर दो कॉलम है, पहले टू है, दूसरा सब्जेक्ट है। आप टू में वह डालेंगे जो ईमेल एड्रेस आपके क्वेश्चन पेपर में दिया गया, यहाँ कुछ चेंज मत करना, एग्जैक्टली वही जो आपके पेपर में दिया गया था। आपके पेपर में क्या था, मैंने लिख दिया था, देखिए abhyuday@gmail.com, ये आपका हो गया टू, किसको आप लिख रहे हैं, यो एड्रेस पूरा हो गया। पहले यहां पर बहुत बड़ा हुआ करता था, टू द प्रिंसिपल, टू द मैनेजर, पूरे स्कूल का नाम, तमाम होता था, वैसा नहीं है, केवल ईमेल आप डाल देंगे, आपका काम यहां पर हो गया, ठीक है। अब ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट माने विषय, आप लिख क्यों रहे हैं, सब्जेक्ट क्या है, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ ये तो फिक्स हो गया एप्लीकेशन में, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, अब फॉर द पोस्ट ऑफ इंग्लिश टीचर है, इंजीनियर है, क्लर्क है, कुछ भी है जो आपके क्वेश्चन पेपर में दिया गया है वो आप लिख देंगे फॉर द पोस्ट ऑफ इंग्लिश टीचर। मैंने यहां पर ऐसे लिख दिया, ध्यान देना अगर मैं छोटा मेरा जगह पड़ेगी मैं थोड़ा सॉल्व कर दूंगा, आप ऐसा मत करेंगे, ठीक है। तो ये आपका हो गया, इसको बोलते हैं आपने किसको लिखा ईमेल, और आपका सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद बारी आती है सैल्यूटेशन के, सैल्यूटेशन आप सैल्यूट जिसे कहते हैं उससे बना है, वह लिखेंगे आप यहां पर, क्या लिखेंगे, डियर सर। अब जरा एक काम यहां पर करना और कंफ्यूजन ऑफ टीचर्स कंफर्म कर लेना, ठीक है, अपने टीचर से काम ये करना, अगर वो आपको एप्लीकेशन किसी पोस्ट पे नहीं दिया गया है, प्रिंसिपल को नहीं दिया गया है, मैनेजर को नहीं दिया गया है, किसी ट्रस्टी को नहीं दिया गया है, सिर्फ डिपार्टमेंटल है, इस डिपार्टमेंट में एप्लीकेशन दो जॉब के लिए, तब तो यहां पर लिखेंगे डियर सर्स एस लगा देना। और कोई पोस्ट है, कोई पद है तो आप डियर सर लिख देंगे, आपका ये हो जाएगा सैल्यूटेशन। अब ध्यान देना आपका पूरा का पूरा एप्लीकेशन तीन पैराग्राफ में होना चाहिए, कितना, तीन में। पहला पैराग्राफ आपका बॉडी है, बॉडी ऑफ लेटर, बॉडी ऑफ एप्लीकेशन। दूसरा आपका इंटेंशन क्या है, आप माने आप अपनी योग्यता बताइए। और तीसरे में आपका रिक्वेस्ट होगा जो कि आप लास्ट पैराग्राफ होगा। अब देखते हैं कैसे लिखेंगे, ध्यान देना पहले के जमाने का जो होता था एप्लीकेशन हम यहां शुरू करते थे पैराग्राफ बनाकर, लेकिन अब ऐसा नहीं करना, जहां पर आपने लिखा एक लाइन छोड़ देना। अब यहां पर क्या लिखेंगे, डियर सर आई हैव कम टू नो, आई हैव कम टू नो, मुझे जानकारी मिली, मुझे पता चला, क्या पता चला,
थ्रू योर एड, थ्रू योर एड पब्लिश्ड इन द मिड डे पेपर का नाम है, पेपर आप वहां डाल देना. आई हैव कम टू नो थ्रू योर एड पब्लिश इन मिड डे डेटेड एज, डेटेड एज 18th February. मैंने मिड डे में छपे हुए आपके एड से मुझे पता चला मिड डे कब का है, 18th February का है, दैट यू हैव अ वैकेंट पोस्ट फॉर द इंग्लिश टीचर, इंग्लिश टीचर इन योर इंस्टीट्यूशन. ठीक है, आपने क्या लिखा, आई हैव कम टू नो थ्रू योर एड पब्लिश्ड इन द मिड डे डेटेड एज 18th February दैट यू हैव अ वैकेंट पोस्ट फॉर द इंग्लिश टीचर इन योर इंस्टीट्यूशन. माने मुझे पता चला है कि आपके इंस्टीट्यूशन में एक वैकेंट पोस्ट है. ठीक है, अब आई क्या लिखेंगे, आई ऑफर माई कैंडिडेचर फॉर द सेम. ठीक है, इसलिए मैं अपना कैंडिडेचर, अपनी मैं क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, ठीक है, मैं अपने पद के लिए मैं आपको ऑफर करता हूं, माई कैंडिडेट फॉर सेम उस पद के लिए करता हूं. अब यहां पर आप पैराग्राफ दूसरा करेंगे, उसमें क्या दिखाएंगे, जो रिक्वायरमेंट था. ठीक है, जो रिक्वायरमेंट था वो आप दिखाएंगे. ठीक, क्या लिखेंगे, आई हैव पास्ड एमए फ्रॉम मुंबई University and B.Ed from Pune in the year 2012 मैंने पास किया है. ठीक है ना, I have experience of 2 years for teaching in a reputed institution. ठीक है, आपका दूसरा पैराग्राफ हो गया. अब यहां पर हम तीसरा पैराग्राफ देखेंगे, लेकिन आप जैसा देख रहे हैं ये आपका एंसर शीट मेरे पास नहीं है, ये बोर्ड है, नीचे जगह कम पड़ रही है, इसलिए मैं ऊपर का एक पैराग्राफ मिटाऊंगा या पूरा मिटा देता हूं, आप समझ गए होंगे इसको ना. अब हमारे दो पैराग्राफ आपका हो गया, बॉडी हो गया और आपका पर्पज क्या है वो हो गया. ठीक ना, अब आप लास्ट में क्या दिखाएंगे, आप रिक्वेस्ट करेंगे. क्या रिक्वेस्ट करेंगे ये देखिए, मैं मिटाता हूं पर इसको. अब लास्ट पैराग्राफ है, सो
सर यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव मी वन एंड ओनली वन चांस टू वर्क विथ योर इंस्टीट्यूशंस आई अश्योर यू दैट मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं आई विल डू माई बेस्ट आई विल डू माई बेस्ट इफ आई एम सेलेक्टेड ठीक है ये आपका पूरा लेटर हो गया अब नीचे आप यहां पे लिखेंगे थैंकिंग यू अब यहां पर क्या लिखेंगे Yours faithfully अपना अगर नाम आपके क्वेश्चन पेपर में दिया गया है तो नाम लिख सकते हैं और नाम नहीं दिया गया है तो नाम मत लिखिए आप लिखिए एक्स वाई जेड ना और एड्रेस अगर आपके पेपर में दिया गया है क्वेश्चन पेपर दिया गया आप एड्रेस शो करना है यहां पर जैसे आपने पहले एड्रेस यहां लिखा करते थे ना आप एड्रेस शो करना अगर नहीं दिया गया तो नहीं शो करना लास्ट टाइम क्या लिखना यहां देखना ध्यान से इनक्लोजर्स इनक्लोजर माने आप इस एप्लीकेशन के साथ साथ में क्या क्या ऐड कर रहे हैं नंबर एक जेरोक्स कॉपी ऑफ एसएससी सर्टिफिकेट जेरोक्स कॉपी ऑफ एचएससी सर्टिफिकेट जेरॉक्स कॉपी आप और कुछ आप दे सकते हैं और लास्ट में जेरॉक्स नहीं ओरिजिनल कॉपी आप क्या एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट या करेक्टर सर्टिफिकेट ठीक इस प्रकार से आपका ये एप्लीकेशन हो जाएगा और आप इसमें क्या करेंगे अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं लेकिन ध्यान रखना ये जो आपने जेरॉक्स कॉपी आप एसएससी किया है ना लास्ट के दो देना है क्योंकि आप टीचर के रूप में जा रहे हैं आप एमए बीएड है इसलिए यहां पर एमए बीएड देना या पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री या डिग्री सर्टिफिकेट बोल देना बस डिग्री सर्टिफिकेट अगर आप किसी लैब में असिस्टेंट हैं वहां पर एसएससी की बात है एचएससी की बात है तब यहां पर एसएससी दिखाना और लास्ट में एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जरूर दिखाना इस प्रकार से आपका लेटर हो जाएगा अब ध्यान रखना जो मैटर आपको दिया गया लिख करके उसमें 80% कितना 80% एग्जैक्टली सेम लिखना कोई भी लेटर आए अभी आपको क्या लिखे ऊपर मैंने मिटा दिया नहीं दिखा था आपको क्या लिखा सर आई हैव कम टू नो थ्रू योर एड पब्लिश इन दिस दैट पूरा सेम है आई ऑफर माय कैंडिडेचर फॉर सेम वो एग्जैक्टली सेम है पर कोई भी हो सर आप पोस्ट चेंज करनी है नीचे पैराग्राफ में आपको दिखाना आप क्या किए हैं एक्सपीरियंस क्या है कहां पर काम किए कितने वर्ष काम क्यों दिखाना है लास्ट का पैराग्राफ ये जो दिखाया ना ये हर एप्लीकेशन में सेम है इसमें कुछ अंतर नहीं है सो सर यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव मी वन एंड ओनली वन चांस टू वर्क विथ यू या वर्क इन योर इंस्टीट्यूशन एंड आई अश्योर यू दैट आई विल डू माई बेस्ट इफ आई एम सिलेक्टेड मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि मैं अपनी पूरी निष्ठा से काम करूंगा अगर मेरी नियुक्ति हो गई तो ठीक ना अब यहां पर आप देखते कॉमन है यहां पर कुछ अलग नहीं है एक लेटर आप अगर तैयार कर लेते हैं दुनिया का कोई भी एप्लीकेशन आता है बस तुमको आपको कुछ वर्ड चेंज करने होंगे और वर्ड चेंज करके आप अच्छे नंबर ले सकते हैं अब देखते हैं आपके कमेंट के द्वारा कि आप इसको कितना ग्रहण कर पाते हैं कितना आप पसंद करते हैं कितना लाइक करते हैं आपके लाइक का आपके कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा अब देखता हूं आप इतना कितना कर सकते हैं ओके थैंक यू अगले वीडियो में अगली बार में ऐसी ही कोई आपके बड़े काम की चीज लेकर मैं फिर आता हूं तब तक आप इंतजार कीजिए थैंक यू